हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कुबेर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो गए, अपनी फैमिली के साथ मस्त हो गए। तो अब मैं जा रही हूँ, सुबह हमने आज हैवी नाश्ता कर लिया था। हैवी नाश्ता क्या, देर में हुआ थोड़ा नाश्ता, थोड़ा सफाई फाई करने लगे थे, नाश्ता देर में हुआ। और फिर उसके बाद जो है पराठा बनाया था मैंने, आलू प्याज सब मिक्स करके बढ़िया उनमें ही पराठे बनाए थे हमने, और दही और चटनी सब खा लिया। तो अभी किसी का मन नहीं है, तो अब हो गया है टाइम 2:30 बज गया है, 2:30 हो गया। तो अब जा रही हूँ मैं पानी पूरी बनाने। तो चलिए आप भी आइए हमारे साथ, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ज़्यादा तो कुछ करना नहीं होता आजकल, तो सब कुछ रेडीमेड आता है। तो बस पानी पूरी बनाने जा रही हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि आज मैंने 2-3 बार झाड़ू पोछा ही कर दिया है घर में, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी हमारे सिंक में, तो वो सही करा, तो उस वजह से 2-3 बार झाड़ू पोछा करते करते मैं थक गई आज बहुत ज़्यादा इसलिए, और लेट भी हो गई थी। पानी पूरी और आप लोग भी चलिए बना लेते हैं पानी पूरी। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, और इसमें ये दो पाउच आए थे हमारे पास पानी पूरी के, और पुदीना और खट्टा मीठा, तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है। और कुछ भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ी सी ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी बूंदी, और इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। और ये थोड़ा स्पाइसी है और थोड़ा खट्टा मीठा है, खट्टा है, मीठा कम था इसमें। और बस यहाँ पे मैंने ये मटर को अपने सुबह भिगो दिए थे, और फिर इसको अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिए हैं। और इसमें मैंने बारीक कटी हुई चॉप अनियन डाल दिए, ये चॉपर बहुत अच्छा है, इसी से चॉप करती हूँ अब तो मैं डेली। बस इसमें ये डाल दूंगी, और हरी मिर्ची इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चों को भी खाना था, बड़ी बेटी को बहुत शौक है पानी पूरी का, तो बस इसमें यही ऐड करूँगी। और हाँ, चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने, और इसमें डालूँगी मैं नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और हमारे पानी पूरी का मिक्सचर स्टफिंग तैयार हो जाएगी अंदर की। और ये यूपी स्टाइल की स्टफिंग है, और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया। तो ये है मेरा पानी पूरी का पैकेज। बस मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था, और ये देखिए मैंने डाल दिए हैं अपने पानी पूरी, और काफ़ी बड़ी बड़ी पानी पूरी बनी थी, देखिए आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी हो गई थी, मतलब खाने में भी बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा था। और बहुत क्रिस्पी थी, बहुत टेस्टी थी ये पानी पूरी। और जो इसका पानी का मिक्सचर जो हमें मिला था, वो तो हम अलग से लेकर के आए थे, और इसका पैकेट इस बार हम अलग से लेके आए, तो ये पैकेट बहुत अच्छा है। और इसकी पानी पूरी वाकई में काफ़ी अच्छी अच्छी बनी, काफ़ी बड़ी बड़ी बनी, और क्रिस्पी भी बहुत थी, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और इसके अंदर की स्टफिंग जो है वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आज एक अलग तरीके की स्टफिंग बनी थी। जयपुर में आलू की स्टफिंग मिलती है, और मैंने आज यूपी स्टाइल की स्टफिंग बनाई थी। और जो है बस ये इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मानिया तो ऐसे ही खा लेती है इसको, और क्योंकि आज दिन भर मेरा ऐसे काम में निकल गया, तो चलो हस्बैंड ने बोला कि आज यही बनाओ पानी पूरी, क्योंकि अब व्रत भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैंने आज पानी पूरी बनाई है। और ये देखिए कितनी बढ़िया पानी पूरी तल के तैयार हुई है। और कल मैं मंदिर भी साफ करूँगी, और वो भी करना है मुझे, इसलिए मैंने कहा आज पानी पूरी हम खा लेते हैं। ये देखिए तो तैयार हो गई है मेरी पानी पूरी। ये है मटर वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मटर को मैश करके इसमें हल्का सा चाट मसाला, नमक और प्याज डालिए, और कुछ भी नहीं डाला है। और ये है बहुत ही स्पाइसी पानी, दो तरह के मिक्सचर से बनाया है, और बूंदी डाली है, ये मीठा दही है, मीठा क्या नॉर्मल दही है, और ये है चटनी, और ये है पानी पूरी। तो ये है आज का हमारा लंच समझ लीजिए, या आज का हमारा फास्ट फूड, और कैसा लगा आपको देखिए। और आइए जल्दी जल्दी खाने, जिसको बड़ा स्पाइसी खाना है हमसे तो सबर नहीं हो रहा है, हम लोग तो जा रहे हैं खाने। और ये जो मटर है ये यूपी स्टाइल है हमारे वहाँ की, हम लोग यूपी गए हैं, क्योंकि यूपी है तो उत्तराखंड के, लेकिन यूपी पैदाइशी वहीं की है, तो ये वहाँ पर ऐसा ही मिक्सचर मिलता है, तो इसलिए ये बनाया है। तो चलिए फिर खाते हैं, और आप लोग भी खाइए, आइए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। खा लिए हम लोग ने पानी पूरी, बहुत स्पाइसी बने थे, बहुत चटपटे बने थे, और मैं आपसे भी जरूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर नवरात्रि आप पहला आखिरी रखते हैं तब तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 9 के 9 दिन व्रत रखेंगे तो प्लीज़ फटाफट से अपने अपने चटपटे पानी पूरी खा लीजिए घर, लेकिन घर पे बना के, बाहर का नहीं, घर पे बना के खा लीजिए, क्योंकि आप लोग 9 दिन के बाद ही खाएंगे। मैंने तो खा लिया है, बहुत अच्छे लगे, बहुत स्पाइसी लगे, हालांकि मैं व्रत
सिर्फ पहला और आखिरी रखूँगी। पहले रखती थी 9 व्रत, लेकिन अब नहीं रखूँगी क्योंकि अभी बच्ची छोटी है, उसको फीड कराना होता है। और मान लो मैंने तो खाया है, बर्तन बर्तन सब धो के फिर उसके बाद मैंने बेडशीट को थोड़ा गर्म पानी और सर्फ में डाल के भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है अभी, तो बस उनको धो के डाल के आई हूँ। और अब जा रही हूँ मान्या को एप्पल जूस पिलाने। तो चलिए फिर, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फिर मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।